और अहम खबर अपने नाज़रीन को दें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असेंबली की नाहली से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 30 रोज़ में रेफरेंस पर फैसला करना है। स्पीकर की तरफ से भिजवाए गए रेफरेंस को कल 30 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अब्बास शबीर से। अब्बास, आगाह कीजिए इस बारे में। देखिए, स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से जो 25 अरकान के हवाले से रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया था, कानूनी तौर पर कल 30 दिन मुकम्मल हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन 30 रोज में इसका फैसला करने का पाबंद है। तो अब ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मशावरत की गई थी और अब कल मुनरफ जो 25 मुनरफ पंजाब असेंबली है उनका जो महफूज शुदा फैसला है वो कल सुनाए जाने का इम्कान है। और क्योंकि कल 30 दिन मुकम्मल होंगे और कानून के मुताबिक कल 30 दिन के अंदर ये फैसला सुनाना है, तो हमारे ज़राए बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन कल पीटीआई के 25 मुनरिफ अरकान पंजाब असेंबली के खिलाफ स्पीकर की तरफ से जो भिजवाया गया नाअली का रेफरेंस है उस पर महफूज शुदा फैसला कल सुनाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने अब्बास शबीर। अहम सियासी और अदालती मामलों पर समा की खसूसी ट्रांसमिशन जारी है। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।